हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बात कर रहे हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तृतीय काउंसलिंग के रिक्त पदों के संबंध में। दोस्तों, जो जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके स्तर से सूचना वांछित रही है और उन्हें प्रमाण पत्र भी देना होगा। दोस्तों, प्रमाण पत्र के प्रारूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की आगे की रणनीति दोस्तों तृतीय काउंसलिंग के संबंध में दोस्तों क्या है। सरकार फूंक फूंक के कदम उठा रही है, किसी भी तरीके से जोखिम नहीं लेना चाहती। ये भर्ती चूँकि सरकार ने एक प्रकार से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इस भर्ती को दोस्तों अंतिम चरण में सकुशल पूर्ण करना है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का जोखिम और किसी भी प्रकार का आप मान के चलिए विसंगतियों से मुक्त होकर के ये भर्ती दोस्तों होनी है। ऐसी स्थिति में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में चार अधिकारियों की दोस्तों मीटिंग हुई और इस मीटिंग में श्री विजय किरण आनंद जी महानिदेशक स्कूल शिक्षा, श्री सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक, श्री प्रताप सिंह बघेल सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अलावा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा दोस्तों प्रतिभाग किया गया। यहाँ 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों के संबंध में श्रेणीवार विशेष आरक्षण सहित दोस्तों सूचनाएँ गूगल जो एक्सेल शीट है उस पर मांगी गई हैं। और इसमें यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो दोस्तों एक प्रकार से प्रमाण पत्र है। अब प्रमाण पत्र देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद का यहाँ नाम हेतु कुल स्वीकृत पद, जहाँ जिस जनपद में जो स्वीकृत पदों की संख्या है उसको लिखना होगा। पद के सापेक्ष अनंतिम चयनित कुल, जितने लोग अनंतिम रूप से प्रोविजनली वहाँ पर चयनित हुए उनकी संख्या के प्रति कुल इतने अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई, तो जो अनंतिम रूप से चयनित हुए थे उसमें से कितने को नियुक्ति प्रदान की गई, संप्रति कुल अभ्यर्थी अनुपस्थित। अब यहाँ पे कितने अभ्यर्थी, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे 1000 पोस्ट है सृजित है, उसके सापेक्ष जो चयनित होंगे वो प्रोविजनली 1000 ही होंगे। अब 1000 के सापेक्ष कितने लोग वहाँ पे काउंसलिंग के लिए आए, तो आप मान के चलिए जो सीटें वैकेंट हैं उसमें यहाँ पे बात हो रही है कि संप्रति कुल इतने अभ्यर्थी अनुपस्थित एवं कुल इतने अभ्यर्थियों के प्रकरण विसंगति हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में निरस्त किया गया है तथा कोई प्रकरण निस्तारण हेतु शेष नहीं है, इस प्रकार जनपद में कुल इतने पद रिक्त हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रमाण पत्र है ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को देना है और ये प्रमाण पत्र जल्द ही दोस्तों शासन को प्रेषित हो जाएगा और इस प्रमाण पत्र के बाद ही जो रिक्तियों की वास्तविक संख्या है दोस्तों क्लियर होके आ पाएगी और उसी पे जो नए कैंडिडेट हैं उनकी सूची दोस्तों पब्लिश होगी। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल पर कमेंट करिएगा। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजेपी दुबे नामक चैनल पर नए पहली बार विजिट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।